Assalamualaikum class, my name is Nimra. My roll number is 6105. Today the topic of my presentation is phase space. Phase space को सबसे पहले हम define करने से पहले हम देखेंगे कि position space है वो क्या होता है. Position at any practical in a system, particles in a system. When system is static is called position space. पोजीशन स्पेस में हमारे पास जो सिस्टम होगा उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इन स्टैटिक होंगे और उनके हमारे पास तीन रिप्रेजेंटेशंस होंगी एक्स वाई और जेड. फेस स्पेस में क्या होगा, सिस्टम जो है वो हमारे पास डायनेमिक होगा और जब सिस्टम जो है वो डायनेमिक होगा तो उसके हमारे पास तीन पोजीशंस होंगी एक्स वाई और जेड और तीन उसके मोमेंटम फेजेस आ जाएंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड. अब पार्टिकल जो है वो इन डायनेमिक है, मीन्स के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन के साथ कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा. इसी तरह एक्स वाई जेड जो है वो हमारे पास आ जाएंगे इसके तीन पोजीशन स्पेस और पी एक्स पी वाई पी जेड जो आ जाएंगे मोमेंटम स्पेस. पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस इज फेस स्पेस. पोजीशन और मोमेंटम स्पेस जो है वो हमारे पास आ जाएगा फेस स्पेस. फेस स्पेस जो है वो आगे फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड हो गया. एक आ जाती है म्यू स्पेस और दूसरी है गैमा स्पेस. म्यू स्पेस जो है वो हम यूज़ करते हैं सिंगल पार्टिकल के लिए. जब भी हम किसी सिंगल पार्टिकल के फेस स्पेस की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, म्यू स्पेस. और जब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात करेंगे, मीन्स कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो ग्रेटर देन वन होंगे तो हम यूज़ करेंगे गैमा स्पेस. नंबर ऐसे हम नेक्स्ट ये भी बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ म्यू स्पेसेस होती है या सम ऑफ म्यू स्पेसेस. अब हम डायमेंशन देखते हैं, म्यू स्पेस देखते हैं. म्यू स्पेस हमारे पास है फेस स्पेस ऑफ सिंगल पार्टिकल्स. सिंगल पार्टिकल्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस फॉर सिंगल मोनोएटॉमिक पार्टिकल. अब डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस देखते हैं फॉर सिंगल मोनोएटॉमिक पार्टिकल. तो लेट करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो 3D में मूव कर रहा है. उसके तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड. जब हम अकेले पी एक्स पी वाई और पी जेड की बात करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कंजुगेट मोमेंटम. द पार्टिकल्स हैविंग सिक्स डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फेस स्पेस. वो पार्टिकल जिनकी सिक्स डायमेंशनल स्पेस है उसे हम बोलेंगे फेस स्पेस. और जब हमारे पास पार्टिकल जो है वो किसी 3D में मूव कर रहा है तो उसकी स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. विच में इसका मतलब ये है कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम में मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब वो 3D में मूव कर रहा है तो उसका एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. म्यू स्पेस हमारे पास सिक्स डायमेंशनल स्पेस है. इसकी डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस हमारे पास इक्वल होती है 2F के. एफ हमारे पास क्या है, स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब इसमें हमने 3D का केस देखा है, 2D और 1D का केस भी देखते हैं. जब हम 2D का केस लेंगे तो उसमें हम दो कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे, या एक्स वाई लेंगे, वाई जेड या जेड एक्स, तीनों में से कोई एक लेंगे. तो उनमें से जब हम एक्स वाई अगर लेंगे तो उनका मोमेंटम आ जाएगा पी एक्स पी वाई. वाई जेड लेंगे तो पी वाई पी जेड आ जाएगा. जेड एक्स लेंगे तो पी जेड और पी एक्स आ जाएगा. तो एफ उसमें कितना है हमारे पास, 2 है. तो म्यू स्पेस हमारे पास इक्वल होता है 2F के. एफ 2 है तो 4 इसके डायमेंशंस आ जाएंगे. इसी तरह इन केस ऑफ 1D अगर लेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में हमने एक को ही लेना होगा तो उनका मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, पी एक्स पी वाई और पी जेड. तो एफ 1 है तो म्यू स्पेस हमारे पास कितनी आ जाएंगी, इसकी डायमेंशंस 2 डायमेंशंस. अब डायमेंशन ऑफ गैमा स्पेस क्या है, व्हेन एन नंबर ऑफ पार्टिकल. जब हम एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम लोग गैमा स्पेस यूज़ करते हैं. गैमा डायमेंशन ऑफ गैमा स्पेस इक्वल होती है एन मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस. एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेसेस. ठीक है, डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेसेस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2F के इक्वल है. अब हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं. इफ़ देयर आर 10 मोनोएटॉमिक पार्टिकल्स इन अ कंटेनर एंड मूव इन 3D विद वॉल्यूम V एंड फाइंड डायमेंशन ऑफ फेस स्पेसेस. अब हमारे पास एक 10 मोनोएटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसी भी कंटेनर में और वो मूव कर रही है 3D डायमेंशन में. तो अब हमने बताना है कि उनके फेस स्पेस क्या है. तो गैमा स्पेस इक्वल होता है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 2F. 10 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और 2F हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस. तो ये हमारे पास गैमा स्पेस, उसकी डायमेंशन कितनी आ गई है, 60. अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस फॉर अ सिंगल डायटॉमिक पार्टिकल्स. अब सिंगल डायटॉमिक पार्टिकल जब लेंगे तो उससे पहले हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डी डायमेंशनल स्पेस. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास किससे हम लेंगे, एफ इक्वल्स टू डी.
डी जो है एफ इक्वल्स टू डी एन माइनस के हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में। डी जो है वो हमारे पास आ जाती है डायमेंशन एन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, एक दो पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो हमारे पास कितने रिलेशन्स आ रहे हैं। तो अब हम जब सिंगल डायटॉमिक पार्टिकल्स की बात करने के, तो डायटॉमिक हैं तो दो पार्टिकल्स दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है, एक बॉन्ड आ रहा है, तो के इक्वल्स टू वन हो जाएगा। थ्री डी में देखें तो डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस है टू एफ, एफ इक्वल्स टू डी एन माइनस के, डी जो है वो हमारे पास क्या है थ्री है, थ्री डायमेंशनल है, तो थ्री डी थ्री आ गया है। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास टू है, तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास वन है, तो एफ कितना आ गया है फाइव। तो म्यू डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस इज इक्वल होता है टू एफ के, टू एफ हमारे पास आ गया है फाइव, तो डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस हमारे पास कितना आ गया टेन, टेन डायमेंशन आ गया। डायमेंशन ऑफ गैमा स्पेस देखते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होते हैं एन मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस, एन मल्टीप्लाई बाई टू एफ, तो टू इंटू एफ, एफ जो है वो हमारे पास क्या है टेन, तो टेन एन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी गैमा स्पेस की डायमेंशन आ जाएंगी। इसी तरह ये टू डी और वन डी का भी सॉल्व है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस फॉर अ सिंगल ट्राईटॉमिक पार्टिकल्स। अब जब हम ट्राईटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे मींस के तीन जो है वो हम पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो उन तीन पार्टिकल्स के दरमियान जो है हमारे पास के कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, ठीक है, दो बॉन्ड बांध रही हैं तीनों के दरमियान। तो म्यू स्पेस हमारे पास इक्वल होगा टू एफ, एफ इक्वल्स टू डी एन माइनस के, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे थ्री, डायमेंशन उसी तरह से थ्री लेंगे, टू डी में टू डी, डी की वैल्यू टू हो जाएगी और वन डी में डी की वैल्यू वन, और के की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी टू है। अब नेक्स्ट है अ फेस पॉइंट इवॉल्व विद टाइम एंड दिस टाइम इवोल्यूशन ऑफ फेस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय हैमिल्टोनियन इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि जब भी एक कोई भी फेस पॉइंट हम लेते हैं तो वो विद टाइम जो है वो मूव कर रहा है, तो उसकी हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगी विद जब हम पोजिशन की देखेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होती है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी, मोमेंटम की देखेंगे तो वो इक्वल आ जाएगी पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू, एच जो है वो हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम है। फिगर वन में देखो तो अगर हम एक पार्टिकल्स है वो विद टाइम जो है वो मूव कर रहा है तो वो कुछ कर्व बना रहा होगा, ठीक है, विद टाइम जो है वो उसकी डायरेक्शन जो हो रही है चेंज हो रही है। और एक पार्टिकल्स तो नहीं है सिस्टम में, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ कर्व जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव जो है वो बना रहे होंगे, तो उनकी वो जो कर्व आएगी फेस स्पेस टाइम एवोल्यूशन के साथ, उन उस टाइम एवोल्यूशन कर्व को हम बोलेंगे फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, तो विद फेस स्पेस इसका रिलेशन हम फेस स्पेस पे देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का। इन दिस फेस स्पेस इज डिफाइन इन यूनिट सेल, इसमें हम फेस स्पेस को डिफाइन करते हैं यूनिट सेल में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेते हैं जो हमारे पास इक्वल होता है डी टाउ डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, ठीक है। एलिमेंट्री वॉल्यूम लेंगे तो डेल पी डेल एक्स डेल पी एक्स डेल वाई डेल पी वाई डेल जेड डेल पी जेड, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी एक्स हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल होता है एच का डिवाइडेड बाय टू के, तो ये जो प्रोडक्ट है एच का डिवाइडेड बाय टू या तो एच इसके एच का डिवाइडेड बाय टू के इक्वल होगा या ग्रेटर देन एच का डिवाइडेड बाय टू, तो ये इस फैमिली को ले लेते हैं एच के। तो जब हम थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे तो एच क्यूब आ जाएगा, टू डायमेंशनल की बात करेंगे एच स्क्वायर आ जाएगा, वन डायमेंशनल की बात करेंगे तो एच आ जाएगा। तो इन जनरल यूनिट ऑफ वॉल्यूम सेल इक्वल होता है एच एफ के, तो एफ इसमें क्या है स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम। Thank you.